कहूंगी ही नहीं नहीं अब कभी मैं कभी तुमको लेके अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो ये सबको पता है कि फिफ्थ को वो स्क्रीन कर रहा है सिनेमा में ये सबको पता है कि लास्ट एपिसोड मेगा एपिसोड होगी जिसका मतलब है कि तीन एपिसोड्स रहती हैं बिकॉज एक एपिसोड मंडे को आएगी और फिर दो एपिसोड ट्यूजडे को आएंगे दैट मीन्स देयर थ्री एपिसोड्स आर लेफ्ट ये मुझे नहीं था पता क्या मंडे को एपिसोड नहीं आएगा मंडे को आएगा बट मुझे ये नहीं था पता ट्यूजडे को दो एपिसोड चलेंगे सिनेमा में फिफ्थ को इट्स अ डबल मेगा एपिसोड है ना ओके या एक रेड कार्पेट इवेंट हो रहा है बड़ा जैसे प्रेमियर होता है लास्ट एपिसोड

ग्राफिक गुजरे हम चला भी देंगे अभी से आप शुरू हो गए मुबारकबाद देना हाँ मैं मैं देना चाहता हूँ इस बात पे कि कभी मैं कभी तुम की ये जो एपिसोड आई है ट्यूसडे को hmm. उसकी 20.4 रेटिंग आई है एंड दिस इज हाईएस्ट रेटिंग ऑफ एनी ड्रामा सीरियल सिंस 2021 एंड आई एम डिलाइटेड बिकॉज़ इट्स वेरी वेल डिजर्व्ड

तेरे बिन तो पिछले 2022 में, में आया ना हुँ. तो 21 20 और 21 के बीच में ऐसा कौन सा ड्रामा आया ये भी एक सोचने की बात है बट uh, आखिरी जो आई थिंक मेरे पास तुम हो कि 21 कुछ आई थी रेटिंग ये इफ आई रिमेंबर करेक्टली हाईएस्ट ये 24 आई डोंट नो आई डोंट रिमेंबर नाउ ये 29 आई डोंट रिमेंबर सो क्या कहना चाहेंगे हमना uh, ये जो एपिसोड नंबर 32 एंड 33 क्या आमना क्या कहना चाहेंगे आप आई थिंक दैट जिस तरह इसकी एवोल्यूशन हो रही है ड्रामे की गोइंग द द एंड वे वर्ड रैपिंग अप इट इज नियर परफेक्शन मतलब एब्सोल्युटली इट इज एब्सोल्युटली इट इज डिलाइटफुल एक तो ये कि स्टोरी का प्लॉट लाइन भी बहुत खूबसूरती से आपका डेवलप हो रहा है किसी चीज़ को वो खींच नहीं रहे या आपको सस्पेंस में नहीं रख रहे शेर ओवरनाइट आपको पता चल जाता है बेबी को क्या हुआ आपको फौरन पता चल जाता है अधिल के साथ क्या हुआ आपको फ़ौर पता चल जाता है माँ बाप का निकलना आई मीन द इट ऑफ टू एपिसोड्स कोई उन्होंने नहीं और जबकि फ्लैशबैक की साउंड थी यू नो शर्जीना की बातें ये वो बड़ी जरूरी थी वो उस वक्त गूंजना उन बातों को सो एवरी एग्जीक्यूटेड सो वेल आई हैव हैव नो नो आई रियली विद टू एपिसोड्स एंड जो मैं शुरू से बात कर रही हूँ कि आपका अदील का और रुबाब का ट्रैक और शर्जीना और मुस्तफा का ट्रैक ये पैरल ट्रैक्स हैं दे आर पैरल एंड वन वु नॉट अदर दोनों भाइयों की जो कहानी है उनकी जो राइज एंड फॉल है या फॉल से राइज एंड देन फॉल वो साथ साथ है खास तौर पर इन दीज लास्ट फ्यू वीक्स और इस दो एपिसोड में भी मुझे बड़ी सिमिलरिटीज लगें साथ साथ चल रहे हैं उसका फॉल अदील का और मुस्तफा का फॉल दोनों साथ साथ चल रहे हैं उसकी बीवी की और उसकी बीवी के साथ साथ छोटा सा डायलॉग डोंट 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 टच 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 मी 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 छोटा सा एक सीन था शजीना अपने पाँव परे कर लेती है हाथ मत लगाओ मुँह परे कर लेती है दोनों so, चल रहे हैं माँ बाप है। एक बहन है बहुत खूबसूरत था बहुत खूबसूरत पैरेलल आपने बहुत अच्छा ड्रॉ किया लेकिन मैं आपकी बात से अग्री नहीं करता मैं, 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 मेरे लिए अदील और रुबाब एक एक अलग कहानी है और मुस्तफ़ा शर्जीना एक अलग कहानी है? है, और मेरे लिए इन दोनों कहानियों का एक दूसरे के ऊपर इन्फ्लुएंस या इम्पेक्ट नहीं है अगर मैं खाली मुस्तफा शर्जीना को देख रहा था मैं तब भी उनको उसी तरह एंजॉय कर रहा था मैं अदील रुबाब को अलग देख रहा होता

बड़ी ही सेंशुअल लव स्टोरी है सेंशुअल सेंशुअल भी है आप बारिश वाला सीन याद कर लें या उनका आपस में उनकी इंटरमेसी याद कर लें उनकी इज अ वेरी स्वीट स्टोरी मुझे ऐसा लगता है कि अगर खाली वो कहानी होती तो एक एलिमेंट ऑफ थ्रिल जो आपको मिला है थ्रू अदील एंड रुबाब वो मिसिंग होता और मेरी मेरी तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि फॉर मी एज अ व्यूअर दीज बोथ ट्रैक्स अदर

शरजीना बच गई? बच गई आपको बहुत मुबारक हो शुक्रिया आप सब लोगों को बहुत मुबारक हो हम सबको बहुत मुबारक हो शरजीना सर्वाइव्ड सरवाइव दी ऑडील और बहुत पैनिक था देखने वालों के माइंड में बहुत टेंशन थी कि यार ये ना हो के ये मार दें किसी काफी तो आप ही ने भिलाई थी तो वो मरते मरते बची है मेरा तो नहीं <laughs> आप देख ले डॉक्टर ने चौबीस घंटे बड़े क्रूशल है तो बस ये बेबी के जो हार्मफुल केमिकल्स हैं वो रिलीज हो रहे हैं उसकी बॉडी में तो उसका ऑर्गन फेलियर की तरफ जा रही है

हाँ। तो रोबाब तुम्हारे पास क्या सबूत है ये तुम्हें मेरी गाड़ी से मिला हाँ। और अगर मिला भी है तो क्या मैं किसी को लिफ्ट नहीं दे सकता हाँ, हाँ। अच्छा फिर वो कह रही है ये बड़ा मुश्किल था लेकिन एविडेंस नंबर वन सीसीटीवी फुटेज निकाली की। है की वो उसको कह रहा जाके ये तुम्हें तुम्हारे किसी ने कान भरे ना मेरे बने फोन रिकॉर्ड निकाल लिए स्टीमी निकाल ली व्हाट्सएप पे इंक्रिप्टेड मैसेजेस जो हैं वो डिकोड कर लिए वो फिर भी नहीं मान रहा यार इतना का बच्चा वो कह रहा है क्या मतलब वो जेल में बैठा हुआ है

उसने जो शिपमेंट्स की इधर उधर किया सब कुछ किया वो उसने किया बट इज नॉट स्टूपिड के वो था ना अदील या। और वो बच के निकल सकता था उसने बड़े meticulously सारा मैंने तो उसको ऐसे परसीव किया शायद ये भी वो कर रहा था ने, ने, नहीं कर रहा ये नहीं, नहीं कर रहा ये तो गेम है सारी मासूम था वो उसने इस तरह केस में फसा दिया अंदर हो जाए एंटी टेरिज्म लंबा गया है यार सीन बहुत वेल well एग्जीक्यूटेड था आपको जो थ्रिल मैंने बड़ा ना एक इंटरेस्टिंग चीज हुई कि मैं um, थर्टी मैं ये दो किस्तें इकट्ठी देखती हूँ लेकिन मुझसे ना रुका गया मंडे नाइट को मैंने रात को खाना खाया पहले फिर मैंने कमरा शमरा साफ किया आई आई इट मैं मैं ये देख लूंगी तो फिर ये खत्म हो जाएगा यू नो एक आपने कभी ये फील किया हाँ, हाँ कि आप देख लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा फिर ये फिर मज़ा नहीं आएगा फिर अल्टीमेटली देखना हाँ, था फिर लिखा भाई मुझे लगा कि ये तो बहुत जल्दी खत्म हो गया है बट इसलिए लगा बिकॉज इट वॉज जस्ट सो वेल रोल्ड थे कि जिस, जिस की जो जो बेइज्जती होती वो हुई तो गोडे गोडे ठंड आपको पड़ी क्या नहीं पड़ी मुझे तो बहुत मैंने पड़ी तो ये रिक्वेस्ट हाँ। की थी और मेरी रिक्वेस्ट ये पूरी हुई कि उसको सब लोगों के सामने मेरा एक दिल चाह रहा था मुस्तफा शर्जीना भी होते यहाँ पे और बहन भी होती हाँ हाँ और उनके भी सामने ये बेजत होता मुझे और खुशी मिलती हाँ लेकिन आई वॉन्ट टू गिव टू नईमा बट आई थिंक नहीफोर्म दैट सो गुड थ्रू आउट और देखिए बीच में थोड़ा सा हमें मुझे एतराज रहा है रुबाब के किरदार से स्पेशली जब उसने एक बार मुझे लगा शर्जीना के मुंह को पैसे देने की कोशिश की फिर उसने मेजरली जो चोरी का इल्जाम लगाया बट अदर देन दैट वो अगर हम एक सेकंड के लिए सेट रुबाब के साथ हुआ तो गलत ना Absolutely. उसका जो मियाँ है वो अच्छा इंसान तो नहीं था नहीं. Uh, तो एक बंदा जो आपको कारोबार में चीट कर रहा है फ्रॉड कर रहा है आपके पैसे चुरा रहा है चोरी कर रहा है और फिर रिलेशनशिप में आपको चीट कर रहा है वो कहती है ना कि मैं तुमसे आई न्यू ग्रीडी पता था मुझे तुम हो गी. पर इतना तुम गिर जाओगे ये मैं माफ नहीं करूंगी सो so, जिस तरह से ये पूरी एग्जीक्यूशन हुई जैसे आपने कहा गोडे गोडे ठंड गोडे गोडे तो मुझे तो शोल्डर शोल्डर ठंड पड़ी शोल्डर अच्छा इंटरेस्टिंग ये था कि जब एपिसोड खुलता है और जब आपका ट्रैक ट्र, 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 लास्ट उसके चलते हैं पहले रिकैप चलता है फिर एपिसोड लिखा हुआ आता है ना और जिस तरीके से उधर पैनिंग थ्रू द पार्टी तो उस वक्त स्कोर जो था ना म्यूजिक वो बड़ा इंटरेस्टिंग था क्योंकि वो इट्स लाइक टक 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 जैसे कोई टाइम बॉम mm -hmm. टिक कर रहा हो तो यू नो इट्स लाइक यू नो व्हाट इज गोन हैपन एंड इट वाज रियली वेल डन द केक का पड़ा होना फिर पहले आना नताशा का कहते हैं हाय अच्छा हाँ करती हूँ सब आ जाए फिर बताती हूँ एंड अदील और नताशा का ग्लास एक्सचेंज करना कि वॉट शी गोन डू और फिर जो केक उसने मारा ना हाय 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 थोड़ा सा मेरा दिल था और जोर से मारती उसके मुंह पे मलती पूरा। टाइप मारती लेकिन हाँ। उसे किया अच्छा वो अच्छा हाँ। सीन था ये लो खाओ इसीलिए वरना हम देखते हैं इमाद ने बड़ी जबरदस्त कपड़े पहने होते हैं इसमें काली टी शर्ट एक पहनी हुई नहीं वो मुझे उनके कपड़े होने चाहिए खराब मैंने सोचा यार दे थे 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 वो अच्छी देनी चाहिए हाँ, मुझे लगा कि यार उनका बर्थडे पार्टी इतनी बड़ी सेलिब्रेशन हो रही है उस पे काली टी शर्ट और बिट टू द केक बचाना ब्लैक सिल्क शर्ट ब्लैक शर्ट पहन देते हैं की शर्ट पहन देते है मतलब बटन डाउन कोई होती

और उन्हें ये भी पता चलता है कि नताशा ट्राई टू कमिट सुसाइड और करने की उनको घर के मुलाजमीन ने उनको वक्त पे बचा लिया और पहुँचा दिया हॉस्पिटल वो बच गई उस पर भी जो रुबाब के रिएक्शंस होते हैं स्पॉट ऑन कहती है बच गई ओ आई एम ग्लैड बच गई बिकॉज यू नो इनको तो दे नीड टू लिव इन दिस गिल फॉर थैंक गॉड वो बच गई है मर जाती तो मुझे तो बहुत दुख होता Yeah. Yeah, I'll miss your imitation. Yeah, though. I can do it for other dramas as well. You know? yeah, yeah, maybe you should. But I think a lot of people said that. Oh, comment on Rubab's wardrobe for the party. I think it was fine. I think I, she looked hot. I, she looked hot. The thing is that Rubab, throughout they her, comment in what sense? that it was not a great dress. It was not. It was. I think it was fine for Rubab. It was fine. She was wearing like. What do you mean for Rubab? It was. Fine. I mean, Rubab is not for somebody, whom it would not have been fine. For a, um, a Mubashra it would not have been fine did she not wear something red sparkly sparkly on her birthday? Oh, but, a, but a mid calf dress a tight really tight dress for a rabab is absolutely fine i don't know what distinction you boots on a and you know she's like she's got a green bag and she's completely in control and or in ये मदर फादर एक लालची आप मैं आपको माँ की तरह प्यार किया मैंने सोचा कि है तो I treated you like a mother. But, आपने क्या किया यूर जस्ट ग्रीडी अच्छा फिर वो उनको निकालती आधा घंटा आपके पास मेरा तो ख्याल था जलील करके निकालती। मेरा ख्याल था कि कहेगी कि द मॉर्निंग एंड इन कहती गेट आउट

अच्छी चीज इस लिहाज से हमारे ड्रामे में दिखाई गई है कि एक लड़की जिसका मियाँ उसको धोखा दे रहा है हर से वो लड़की ना कभी ना कभी रोई नहीं उसने आंसू बहाए लेकिन हमने उसकी सैडनेस देखी है उसके चेहरे पे ना उसके बाप ने ये बोला कि मैं भी मर जाऊंगा ना वो मरा ना उसका बाप मरा नहीं ना उसके बाप को दिल का दौरा पड़ा ना लड़की ने ये कहा कि मेरी तलाक हो गई मैं सरताज मुझे कोई रोना नहीं किया उसने कुछ भी नहीं किया

या बिग हैंडसम द नेम बिग हैंडसम मतलब आप देखें ना पहला कि जेल में अच्छा लग रहा था अच्छा, यार मैं ये भी नहीं कह मैं तो ये कह यार जेल में भी वो कहता ना साथ उसको चिकना कहता है फिर <laughs> फिर शहजादा कहता है तो वो तो है वो डरा था हां बिल्कुल डरा वा? जेल वालों से बिल्कुल दूसरे लड़कों सब कुछ उसको इतना डरना नहीं चाहिए बहर अगेन uh, मैं, uh, जैसे मैंने जिस तरह से जो ट्रैक इतना स्ट्रॉन्गली इमर्ज किया है और लोगों ने उसके साथ डिस्पाइट इट बींगली लाइक ऑफ बीट सॉर्ट ऑफ ट्रैक क्यूंकि लड़का लड़की शुरू एटलीस्ट पहले के एपिसोड में दोनों ग्रेस थे ऐसा नहीं था कि

kudos to him as well kudos to him and also kudos to whoever cast both of them because i think it was very important for him to look like he's a fussy ambitious over ambitious can good be looking, corrupt, charming. good looking charming guy it was important for her to look like she traveled and she had you know the the exposure and the the and confidence an and yeah it was very important for both the characters dono characters ये बहुत जरूरी था फिर आज अम्मापा की तरफ अम्मापा यार इफ्तार भाई को एक शार इफ्तार वो माफी मांगती रही है। दोनों की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी वो माफी अच्छा भाई को गुस्सा है एक बार वो कहने लगे थे बीवी को मैंने नोटिस किया वो चुप कर गए उन्होंने बोला कुछ नहीं यार आंटी को यार इफ्तार साहब को शार्ट आउट और ना ही उनको दिल का दौरा पड़ा कि वो मर नहीं, नहीं गए नहीं, मर नहीं गए दिल का दौरा नहीं उनको पड़ा ऐसा नहीं हुआ कि वो मर गए वहाँ पे या बेहोश हो गए या सड़क पे कोलैप्स कर गए हालांकि अपॉर्चुनिटी बहुत थी उनके पास बहुत और हम शायद माफ भी कर देते कि यार अब तो उन्होंने जाना ही था ना गए वो

मैंने की और भी उनका फाइन सा हुआ हुआ था तो मुझे यही था कि चलो ठीक है इनका रह गया मैं तो आजकल आपको पता है मेकअप मेकअप बहुत नोटिस करना शुरू हो गया और मैं अभी आता हूं पे तो मुझे ये हुआ लेकिन फिर कहा पार्टी के लिए वो तैयार हुई हैं खुद भी उन्होंने मैंने भी इसीलिए डिस्काउंट किया कि वो पार्टी के लिए तैयार हुई नहीं तो ठीक है और एक रात की कहानी फिर वो शुरू होती है और एक रात फिर जो आप हॉस्पिटल में देखते हैं वो मेकअप आप देखें फिर उस पर भी आते हैं तो so, ये इनका ठीक था मुझे सारा वो माफ़िया मांग रही हैं कॉन्स्टेंटली एंड ही इज़ वेरी डिग्फाइड ये मुझे थोड़ी सी थी रुबाब, क्योंकि आपको पता है मैं रुबाब के साथ थोड़ा सा मेरा सॉफ्ट स्पॉट भी है रुबाब के लिए थोड़ा सा मुझे था कि शायद थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर देती कि यू you नो know, आप माय फादर दिस माय फादर नॉट सच अ बैड गाय पर यू आपको तो मैंने माँ समझा यू you नो know?

इसलिए जहाँ पे क्रेडिट बनता है और अप्रिशिएट करना बनता है वहाँ पे खुल के करना भी चाहिए बदर के पिछले ड्रामों में हम अक्सर ये कंप्लेन करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा फ्लैश और गाने और मुझे प्यार हुआ था मैं या इश्क किया मैं और मैं पहले हम काफ़ी रोस्ट भी कर चुके हैं कंप्लेंट भी कर चुके हैं बट आप देखें कभी मैं कभी तुम में वो जो होता है ना एक रिकर, एक तो उन्होंने जो गाना चेंज किया अभी जिसके बारे में हम कंप्लेन कर रहे थे दो हफ्ते पहले अब वो इतना रजिस्टर कर गया कि अब मुझे ये ज्यादा अच्छा मुझे वो पुराना नहीं याद आता ये क्यूट एंड स्वीट सी नहीं रहा ना रिलेशनशिप तो ये तो। कितनी एक अच्छी बात है कि शुरू में हमने कंप्लेन किया कि यार गाना चेंज हो गया गाना लेकिन अब जब ये गाना चल रहा है तो आई एम एंजॉय इट आई एम लाइकिंग इट इवन मोर लिरिक्स और वो सब सबको जो चलता कितना है कितना बैठते हैं कितना जबरदस्त बैठते हैं सजना दिल तो और दूसरा जो भी बीच में फ्लैश बैक्स है बहुत अच्छे तरीके के साथ वेल एग्जीक्यूटेड शॉर्ट और सिक्वेंसेज है कि आपको कहीं पे भी मैंने ये नॉर्मल स्पीड पे देखी दोनों डन well तो मुझे वो वो नीड नीड हुई कि यार कि अच्छा मैं अब इसको स्किप करूं या मैं इसको टू एक्स पे लेके जाऊं जो के एक एक तरह से हम पहले बहुत बार क्योंकि कंप्लेन कर चुके हैं बदर के को लेके तो मुझे ये बात ड्रामो है, बदर है बदर है you know, में देखा है किसी भी ड्रामा में कि जो स्पेस हो घर जो हो वो एक कैरेक्टर हो मगर शर्जीना का और मुस्तफ़ा का जो घर है बेशक वो मुस्तफा का पहला कमरा हो इट अ थर्ड कैरेक्टर, बेशक उनका अपार्टमेंट हो पहला वो मोहल्ला हो उसका अपना कैरेक्टर था उसका ट्रांजिशन उनकी रिलेशनशिप के साथ ट्रांजिशन कर रहा था अब जो नया अपार्टमेंट और अब जो नया अपार्टमेंट है वो इतना खोखला है वो इतना खाली है वो इतना ग्रे है उसका रंग भी ग्रे है उसकी जगहें भी खाली हैं उसमें कोई लिविंग चीज नहीं है उसमें कोई, कोई पौधा नहीं है वो बेचारा दो मरे हुए पौधे लेके आता है इट्स लाइक नो इट्स 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 लाइक अ वैक्यूम क्रैम नहीं इट्स लाइक अ वैक्यूम इट्स लाइक टेस्टलेस टेस्टलेस है बिल्कुल मतलब। हां मतलब वैसे कोई फ्लेवर ही नहीं है कोई उसमें अपनाईयत नहीं जान है, नहीं है नहीं घर नहीं है वो वो सिर्फ एक मकान है वो घर नहीं है वो

बिकॉज़ पहले वो बैंगन उठती है मोमबत्ती लेने जाती है और उसका वो एक्सटेंशन कॉर्ड के साथ उसकी पैर लगता है और वो गिर जाती है और फिर वो बेहोश हो जाती है दूसरी तरफ मुस्तफ़ा आ रहा होता है अपनी बड़ी डील साइन करने के बाद फ्लाज और केक लेके घर आता है वो शर्जीना शर्जीना पुकारता है उसको नहीं मिलती फिर वो देख अच्छा वो बड़ा जबरदस्त एक सीन था जो उन्होंने लिया हुआ था किचन से कि शरजीना लेटी हुई है गिरी हुई है बेहोश है और वो पीछे से गुजर गया मुस्तफ़ा कमरे में या। मैं यार ये अच्छा एक थॉट है कि यार वो इधर लेटी हुई है वो और इम्पैक्ट लाने के लिए और क्या मकसद है इस शॉट का नजर आ रही है इम्पैक्ट है कि उसको नहीं नजर आई वो गिरी हुई है यहाँ पे और और एंड यू लाइक अच्छा यार जब ये उसको देखेगा तो क्या होगा

हॉस्पिटल जब आप जा रहे होते हैं तो आपको ये पता चलता है कि शर्जीना ने अपनी फैमिली को कॉल की थी एक बार नहीं कुछ सौ बार की थी।, थी अपनी माँ को भी की अपनी बहन को, को भी की अपने वाले साहब को जी अच्छा इन दैट मोमेंट हालांकि ये क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने इस पर बहुत बात की थी और मैं तो फिर भी शर्जीना के साथ था कि अगर वो कॉल ना करती तो समझ में आता है आई विश के शरजीना को दिखा होता कि कॉल नहीं की क्योंकि ये मुझे अब ज्यादा इलॉजिकल लगा कि उसने बहन को भी कॉल की

और वो सुबह से नहीं की हुई कॉल मुझे ऐसा लगा कि जब वो सोफे पे बैठी है ना आके वहां बैठ के उसने कॉल्स किए हैं क्योंकि घंटे पहले की कॉलें आई होती हैं जब माँ और बहन बाजार में होते हैं तब की कॉलें आई होती हैं अब्बा का तो फोन ही बंद है उनके उन तो बाद में आती है नहीं सुबह की नहीं की होती हैं मुझे ऐसा लगा कि वो थक के हार के उल्टियां करने के बाद वो बैठ के फोन करती है कि ओके नाउ इट्स एन इमरजेंसी आई नीड योर हेल्प

कि उसमें आप ये वाला मुस्तफ़ा नहीं देख रहे आप अब वो पुराने वाला मुस्तफ़ा देख रहे हैं क्योंकि है बाल आगे आ गए तो ये एक सिर्फ एक सिर्फ छोटे से से लुक से आपने पूरा किरदार आगे पीछे आप कर सकते हैं और ये कितनी जबरदस्त बात है एंड द फैक्ट कि अब आप जो अभी वाला मुस्तफ़ा था उसको रिप्लेस किया आपने फिर पीछे वाले मुस्तफ़ा से कि अब वो वापस मुस्तफ़ा आ गए बट नॉट क्वाइट वो एक अलग जाविया देखने का बट

और फिर उसके साथ बैठ के रोना कि अब सब कुछ है तो तुमने तो वादा किया था कि तुम नहीं छोड़ोगी और अब जब क्यों हो गया तो तुम मुझे जा रही हो और फिर ये कहना कि मैं तुम्हारे बगैर तो मेरे कुछ भी नहीं हो मैं beautiful. हम हैं तो है हम नहीं हैं तो नहीं है वो खड़ा हुआ मुस्तफ़ा तो जो बाप और वो सब आए अच्छा मैं मुर्सा सर के बारे में छोटी सी एक बात ये कहना चाहूंगा मेरे ख्याल में उनकी बात इतनी मायूब इस बार नहीं थी फॉर नहीं, नहीं, थी लेकिन उन, उनको ना रुकना नहीं आता उनका प्रॉब्लम है वो तो दूसरा कहता ना कि अब नॉट नाउ उनको रुक, उन्होंने जो पहली बात की ना मुझे एक्चुअली लगा कि फॉर वंस ही मेड सेंस जो कहते ना कि इतने तुम अगर फन्ने खान थे लेके गए थे तो रखना था ना ख्याल बिल्कुल ये बिल्कुल जायज बात थी उनकी बिल्कुल लेकिन उसके बाद जो उन्होंने आगे पांच छह बातें की ना मैंने कहा यार अंकल <laughs> मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं वो तीन हाँ। नहीं थी वो फ्ला नहीं थी वो दिमाग नहीं मतलब कौन आपने तो, तो आपने उठाया तो नहीं, नहीं? <laughs> <laughs> आपकी अंकल तो की जो भी शॉर्ट कमिंग थी ना वो उनकी वालदा ने पूरी करी ब्यूटीफुलर ब्यूटीफुलफॉर्मी जैदी एंड ऑल्सो दैरेक्टर वॉज सो गुड सो गुड की टाइम ऑफ इमरजेंसी क्राइसिस वो मुस्तफा को तसली देती हैं हैं कि कि वो पहले अपने को समझाती कि आप मुस्तफा पे आप मत करें ऐसी हाँ, exactly. तो हाँ. तो मुस्तफ़ा से कहती है थोड़ा सा उसको वक्त दो लेट सॉर्ट इट आउट और जब वो कहती है ना कि बेटा, जितना तुम, प्यार, तुम प्यार करते हो उससे कहीं ज्यादा वो तो मुस्तफ़ा एकदम के लिए उसका रिएक्शन भी आता है कि यार अच्छा सही कह रही है शायद और फिर जब वो शर्जीना को बाद में कहते हैं कि उसका भी तो लॉस है उसके साथ भी तो हुआ है और उसने जब अभी तो बेहतर है कि हमारे साथ चली जाए लेट हर रिकवर नहीं नहीं बाद में जो शर्जीना को उन्होंने बोला समझाते हुए कि उसका फोन उठा लो बेटा वो वो, तुम्हारे बारे में बहुत परेशान रहा है और ये अगर तुम हमारी तरफ होती या मुस्तफा घर पे भी होता तो ये तो हादसा था पूरी रात वो बैठा रहा है तुम्हारे

बट नहीं उन्होंने ब्रिज, जो ब्रिज है ना वो बिल्ड किया हाँ अब आप इन सीन्स में की परफॉर्मेंस देखती जाए एक तो यह जब नमाज पढ़ा गेंद वजू किया तो बाल हिल गए बिल्कुल बाल बिल्कुल। हिले में फिर शर्ट जो है वो कभी आधी बाहर है फिर पूरी बाहर आ गई और वो बंदे ने कपड़े चेंज नहीं किए अब दो दिन एक रात थी

अपार्टमेंट में आके रोना हमने पिछली बार शर्जीना का रोना देखा था उसकी आवाज़ और अब और अब मुस्तफा की आवाज गूंजी एंड इट वाज सो लाइक यू नो आई आई दैट पेन रेंचिंग आई फेल्ट दैट पेन मुझे मुस्तफा के ना क्या करूँ मैं आमने मुझे बहुत दुख फील हुआ, हुआ लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा हानिया की जब वो पहले तो इतनी वो प्यारी लग रही होती है जब बेहोश पड़ी होती है दूसरी तरफ मुंह करके नो मेकअप नो मेकअप जब वो उठती है तो वो को कहती है मेरा बच्चा माँ यू नो ऐसा नहीं है कि छुपा रहे हैं इसको बताओ मत यू नो बेटा सब्र करो अल्लाह और देगा एंड वो क्या कह रही अम्मी, है अम्मी पागल हो गई हैं दिल तोड़ने वाला सीन था वो. दिल तोड़ने वाला सीन था फिर यू नो द थिंग इज दैट सो नेचुरल जब वो बाहर अगले दिन उसको डिस्चार्ज करते हैं व्हील चेयर लेके आते हैं जो उसके बाल होते हैं ना हसन खुदा की कसम जब आप हॉस्पिटल से निकलते हैं ऐसे ही आपके बाल होते हैं देर मैटेड बिकॉज आपको पसीने भी आए होते हैं आपको दवाइयाँ लगी होती हैं, हॉस्पिटल बेड पे एक ही उसमें ना आप सही ब्रश कर पा रहे होते हैं वाकई लग रहा था कि ये लड़की जो है ना ये इलाज करा के डीएनसी करा के पूरी रात अपनी तो आंखे सूजी भी, 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 भी वो वाकई लग रही थी कि, you know, oh my God, skin में पूरे स्किन जिस तरह से विजिबल थी स्पॉट सारे आई वॉज लाइक यार ये कितना इम्पोर्टेंट है इन दैट मोमेंट अगर आप ये देख लें कि फहद के बाल प्रॉपर बने होते हैं या हानिया का मेकअप हुआ हुआ होता तो आपका इंस्टेंटली कनेक्शन connection... अच्छा अब जब आप हम हानिया और फहद को कंपेयर कर रहे हैं येस yes, फ़हद के बाल डिशेबल्ड जरूर थे और उनका शर्ट भी अनटक थी और एक फिजिकल जो ये येटिक एक हालात वो है थी बिल्कुल मेरे ख्याल है कि थोड़ा सा चेहरे पे दे नीडेड टू बी अ बिट मोर कलर नेचुरल कलर टू हिज टोन टू हिज फेस आप यानी मेकअप मुझे ऐसा लगा कि उन सीन्स में मुझे ऐसा फील हो रहा था दिगमेंटेशन सी दिसकलेशन एक her, uh, bark, spots, you know, um, बाल भी मैट हुए हुए आपको नज़र आ रहा है इम परफेक्शन चेहरे की नज़र आ रही है वाह का जो कम्प्लेक्शन था it was, it was so मुझे ये हुआ कि थोड़ा सा इट शुड बीन अबिट इम्परफेक्ट बट ये बहुत छोटी बात है इन द लार्जर स्कीम मगर ये थी ये थी मतलब नहीं है वो मैं क्योंकि मुझे ज्यादा नहीं पता बट जैसे वहां पे हम दूसरे ड्रामो में उस दिन बात करता है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था की उनकी गर्दन की कलरेशन बिल्कुल नॉर्मल थी और चेहरे की नहीं थी सो तो थोड़ा फर्क भी था वह आई थे देखें अगर तो हाँ. मैं वो बंदा जो नहीं नोटिस करता तो अगर मैं कोई किसी का नोटिस कर रहा हूँ तो वो बुरी बात है हाँ. अगर मैंने नहीं नोटिस किया तो मुझे लगता है किसी की मौत पे आंखों का मेकअप हुआ तो जाति की बात लेकिन ये देखे ना कि जिस तरह वालदा है की मदर जो है उनके भी बाल उड़े हुए थे सुबह और उनका भी अब्बा भी शलवार अच्छा हाँ, जब मुस्तफा दूसरी बार अम्मा के लिए तैयार होकर आया तो वो मुझे अस्पताल से आया है घर गया है अस्पताल में रह के आप शावर तो लेते ही अब उसकी हर चीज बेहतर होगी वार्डरोब बेहतर होगी शायद बहन ने बोला कि इतनी इमरजेंसी नहीं है बट इस तुम आज आराम से आज फिर आप आ जाए बहुत इम्पोर्टेंट जो एक डेवलपमेंट थी बहन का फोन जाता है मुस्तफा को अच्छा पहले थोड़ा सा आए, हाँ, जब अः शर्जीना फाइनली जागती है स yeah. so, में आई है शर्जीना क्योंकि पहले मुस्तवा और अम्मी उसको हाथ पकड़ के तो वो उड़ जाती है उठाना नहीं चाहिए उठो ना उठो ना उसको धक्किया देख उठा रहे मतलब मुझे वो थोड़ा सा अन्यचुरल सा लगा अभी वो बड़ी सीरियस उसमें थी अम्मा आई और अम्मा ने अच्छा भी जरा आ जाए क्यूँकी कॉन्वर्सेशन हो रही है um, so scene, जब वो और उससे पहले जब वो कहती है बिकॉज बच्चा जो है वो अगर अंदर रहेगा हाँ, तो जहर फैलेगा एंड वो केमिकल्स हार्मुल केमिकल से उनकी डेथ हो सकती है

कि अगर आप हाँ, अगर हो गया है बेबी की हार्ट बीट नहीं है अगर आप डीएनसी नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली वो सेप्सिस हो जाता है तो इन ले मैन तो करनी थी ना डीएनसी तो करनी थी तो लोगों ने कहा और तमकिनत एक्चुअली ने ये लगाया कि बिकॉज शीज़ ऑल्सो तो डॉक्टर कि आई विश के थोड़ा सा रिसर्च कर लेते आप लोग कि जो मेडिकल टर्म्स होती हैं कि कोई जहर वहर नहीं फैलता Uh, तो फिर उस पर फरतः ने जवाब दिया कि अब हमें पता है एंड वी डिड डू द रिसर्च बट वी हैड टू प्रजेंट इट इन लेम एंड टर्म्स और सेप्सिस बेसिकली जहर ही है और अगर आप नहीं डी एन सी करेंगे तो आई थिंक शी वॉज राइट द राइटर वॉज राइट कि यू नो उन्होंने वो सही डिस्क्राइब किया आई विश के दो टर्म्स का इस्तेमाल किया होता एक तो लॉस ऑफ ब्लड बिकॉज अगर आप ये कह दे ना कि बहुत उनका ब्लड लॉस हो गया इसलिए वो क्रिटिकल है बिकॉज मिस कैरेज से तो क्रिटिकल यूजली हेल्दी बंदा नहीं होता सो so वो था मगर ऑफ कोर्स बॉटम लाइन ये थी कि वो जिंदगी मौत के बीच में लड़ रही है एंड शी उसको बचाना मुश्किल है ब्लड लॉस उनका हो गया है सेप्सिस भी होने को ऑर्गन फेलियर भी हो, सकता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा उसमें यस yes, दबकिया मार के उनको उठाना वुड बी अ पॉइंट वेर यू कॉल द डॉक्टर्स एंड यू से होश आ रहा है हाँ हाँ, नहीं आप डॉक्टर्स को बुलाते हैं कि कि इनको हो रहा है अच्छा हाँ, ले 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 ले। होश में आ गया और जो शर्जीना का फर्स्ट रिएक्शन था बेबी का आई थिंक बिलीवेबल बिकॉज उसका जो भी मसला बड़ा चल रहा था और वो हॉस्पिटल आई वन कुड आर्ग्यू एंड थिंक केयर की वो जब आई है हॉस्पिटल तो

शायद बोला भी था डॉक्टर ने कि प्रीमैच्योर हो, हो सकता है आई फेल दैट शी शी व्हाट शी मेंट इज के व्हाट हैपेंड माय मेरा बच्चा इज माय बेबी फाइन एंड देन शी सेड नो इट्स नॉट फाइन एनीवे एनीवे तो बट yeah. वो रिएक्शन एक बिलीवेबल था एक मां का मगर यार उसके चेहरे पे जो जो डिप्रेशन था और जो उसके चेहरे पे लॉस था फीलिंग ऑफ लॉ इट वाज रियली ब्यूटीफुल और उसने मुस्तफा को सिर्फ एक बार एड्रेस किया कि बोलो ना बोलते क्यों नहीं हो हाँ। सिर्फ ये बात उसने ऐसा और कुछ नहीं देखा उसकी तरफ या ना बात ही नहीं करना चाहती पर बाढ़ में जाओ हाँ। और वो अच्छा उसके बाद मुस्तफ़ा उसके पास आता है कहता है कुछ भी करना है डांटना है डांट लो लड़ना है लड़ लो पर ये जो साइलेंट तो ट्रीटमेंट है वो फिर भी नहीं बात करें तुमने जो साइलेंट ट्रीटमेंट दी है बच्चों फिर भी नहीं बात करते फिर मेरा दिल थोड़ा सा मुस्तफा के लिए हुआ है गलत था मुस्तफा कोई ये नहीं कह रहा कि मुस्तफा सही था हमने पहले भी कहा था या मगर गलत तो गलत तो अच्छा था। आप इस बात को मैं थोड़ा सा एड्रेस करना चाहता हूं हम हम हमेशा ये बात करते हैं कि हमारे ड्रामों में ना वो लाइन नहीं बरकरार रखी जाती है कि यार के या तो टॉक्सिक बना देते हैं बंदे को या बुरा बना देते हैं या उसको अब्यूजर बना देते हैं बट उसको रिडीम करने के लिए कुछ गुंजाइश नहीं छोड़ते मुस्तफ़ा मेरे ख्याल में एक शायद वाहिद हमने रिसेंट टाइम में एक, एक ऐसा किरदार देखा है आई थिंक नुमर को छोड़ के, के जिसमें जिसको आपने बिल्कुल वो लाइन पुश करके वहां नहीं पहुंचा दिया कि जहाँ पे उसका वापस आना आपको लगे कि यार कि ये नॉर्मली है बल्कि अब आप ये कह रहे हैं कि ठीक है यार उससे गलती हुई हम मान रहे हैं भाई मुस्तफ़ा से गलती हुई या। लेकिन यार जितनी उस उससे गलती हुई उसकी सजा उसको बहुत बड़ी, मिलती बहुत बड़ी, है। बड़ी मिल रही है तो इतनी बड़ी उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए नहीं। तो यह भी एक बड़ी कभी मैं कभी तुम की जीत है कि उन्होंने एक मेल किरदार को चलो केयरलेस दिखा दिया या उससे गलती होता हुआ दिखा दिया या गुनाह होता हुआ दिखा दिया लेकिन आपने इस एक्सटेंड पे नहीं उसको ला नहीं। खड़ा किया कि जहाँ पे आप बोले यार कि तो आप टेंटेड है बंदा नहीं लेकिन मुस्तफा इज अ ग्रीन फ्लैग डॉक्टर नुमैर में फिर भी एक फ्लॉ है कि उसने इतनी बड़ी चीज छुपाई हाँ इतनी बड़ी चीज छुपाई हाँ, बीवी से तो वो तो उसके उसमें ग्रीन फ्लैग तो मैं नहीं कहूँगा मुस्तफा को मुस्तफा नहीं है नहीं। तो नहीं, हर, हर, हर हीरो नहीं में ग्रीन तो ये मतलब हो गया ना कि बात सही की <laughs> मैं तो आज मुझे यकीन नहीं आ रहा मैं मुर्सा अंकल को कोट कर रहा हूँ <laughs> की अंकल ने कहा अगर तुम लेके गए थे इतने फन्ने खान थे तो फिर रखना था ख्याल तो ये बात तो अप्लाई होती है यार हर इंसान में होता है फिर ऐसा ऐसा तो ऐसे तो ऐसे तो इंसान ही ही नहीं 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 है। है। बट बट थोड़ा सा उसमें था, बट ऐसा नहीं था कि 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 आप आप उसको बोलें यार ये ये वापस इसकी ही नहीं हो सकती। तो ये बात की मुझे खुशी है। फिर आप आएं जी वो आखरी जो ट्रैक माँ बाप को फोन करना हाँ। बहन का फोन करना मुस्तफ़ा को पहुंच जाता है अमीर मुस्तफ़ा का पहुंच जाता है

आराम से अपने फर्ज पूरे करता है इमोशंस नहीं दे रहा Except वो एक्सेप्ट इन दैट मोमेंट जब बहन कहती है कि भाई ने मां-बाप को निकाल दिए तब आता है इमोशन Yeah। तब वो लुक देता है एक वो वाली इसीलिए लेके भैया मां-बाप से कौन नाराज रहे ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स तो है तो जानू बच्चा ना Yeah। लेकिन अब क्या होगा हमना दो पॉसिबिलिटीज बच गई अब जी

ये मरने तक तो आप ओपन एंडिंग भी तो छोड़ सकते हैं ना आपको लगता है मुस्तफा सरवाइव कर पाएगा या yeah, श्योर sure. अब आपको लगता है कि डेथ वाला एलिमेंट निकल गया दोनों के सरों के हमारे सरों के ऑडियंस आप लोग तय कोई डेथ का एलिमेंट नहीं हो गया ना बच्चा मर गया बस काफी हो गया डेथ ऑफ रिलेशनशिप बच्चा मर गया शर्जिना मरते-मरते बच गई

एक दर्जन अंडे मैं अपने साथ लेके जाऊंगा स्क्रीनिंग पे बिल्कुल मेरे लिए भी ले मेरे पास होंगे मैं पहले से बता रहा हूँ अगर आप में से में से कोई भी ये बात सुन रहा है और मैं वो रखूंगा ऐसी जगह पे कि आपको मिलेंगे भी नहीं वो अंडे तो मेरे पास होंगे दर्जन अंडे दर्जन अंडे मैं आमना को दूंगा निकल जायेंगे इन किसी तरीके के साथ मैं पहले बता रहा हूँ

खुश नहीं होंगी मैं अलहदगी मरने पे यार ट्रेजेडी तो जो जब दोनों अलग हो गए तो हमारे लिए तो मर ही गए ना दोनों फिर क्या रह गया पीछे ऐसा <laughs> भी नहीं मेरे तो नहीं खुश हूंगा भाई मैं तो नहीं अले, अगर अलग हो गए तो फिर क्या बचा बचा क्या फिर हमारे लिए हैप्पी है, है, तो ना रही ना हमारे पास वो मुस्तफा इतना भी मारूंगी ठीक है फैसला हो गया अंडे होंगे मेरे पास अगर आपने ना मारे मैं आपकी वीडियो बना के मैं मारूंगी मैं मारूंगी ठीक है और बताएं और हैप्पी हैप्पी एंडिंग एंडिंग होगी होगी। तो तो फिर तो ही लेकिन एक दिल है मेरा। क्या मेरा ये दिल नहीं है आप क्या, क्या, क्या करे वो वो अपार्टमेंट वो माँ बाप को देते खुद उसी, में शिफ्ट उसी वो छोटे फ्लैट में रहे हो जाके क्यों आप चाहती है कुछ देर तक जब तक वो अपनी रिलेशनशिप को वापस जो उन्होंने वहाँ यादें बनाईं जो पौधे उगाए जो पेंट की दीवारें जो छोटे छोटे लैम्प लगाए जो यू you नो know, छोटी छोटी यादें जहाँ चाय के पीते थे उनको रीलिव करें उन मोमेंट्स को अपनी रिलेशनशिप को रिडीम करें और फिर दोनों आगे चलें उस वक्त तक माँ बाप को उस ग्रे घर में रहने दें वो तो घर बहुत ग्रे है मुझे नहीं अच्छा लगा

और मन्ना इज आउट ऑफ क्वेश्चन आप लोगों में से अगर भी भी किसी को लगता है कि एक था और ये एक बात चली हुई थी कि यार कि कहानी अमर ऐसी होती है जब कोई एक मर जाए आपको क्या लगता है कि कहानी वो डायरेक्शन लेगी या नहीं शर्ट वाली जो भी प्लॉट लाइन थी उससे अब ये बात हम आगे निकल गए क्योंकि मिस कैरेज हो चुका है बच्चे की डेथ तो हो ही चुकी है

और आप तो कह रही थी कि किसी ने आपको कहा है कि तो तो मैंने कहा इमोशनल तो होगा बहुत ये दो एपिसोड खुशी के इमोशनल होगा अपने बच्चे को याद करके जब रोएंगे खुशी गले मिल के तो अगर अगर ये होती है तो फिर एंड में जाए शायद एक और बच्चा भी दिखाएंगे

और देखा जाए तो इस ड्रामे में जो कहानी है या जो किरदारों को जिस तरीके से दिखाया गया हम बार-बार एक एक ही बात करते हैं लव लव स्टोरी स्टोरी मॉडर्न मॉडर्न रोमांस आजकल के दौर के शादी शुदा कपल की स्ट्रगल्स हैं उस हवाले से लोग इसके साथ मैंने पिछली बार बात की थी ना कि पीपल आर ड्रॉइंग इंस्पिरीशन तो किसी का कॉमेंट आया उन्होंने कहा माई आई आय जस्ट उट ऑन नोट अंडे हमारे पास होंगे दर्जन मेरे पास, <laughs> दर्जन आमना के पास तो आप हमें ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि हमने बार 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 मेरा बार यार और भी ले जाते हैं दर्जन हमारे दर्जन चौबीस दो मैंने मारे दो आपने मारे हाँ। वरना सारे हम ही पकड़े जाएंगे जेल हमें ही जाना पड़ेगा तो और लोगों को भी तो देने हमने ठीक है तो हम आपको अपडेट करेंगे भाई के अंडे पड़े या नहीं पड़े या क्या हुआ तब तक अपना ख्याल रखिए, तो अब याद रखियेगा खुदाफिज